दौलत खान साहब को कि वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे आप यहाँ पे आए। चलो जब प्रोग्राम में इंसान आता है किसी मकसद के लिए आता है तो देर हो जाती है, इसलिए हम सबको यहाँ पे जमा होने की मकसद यही है कि गरीब आवाम की इसके लिए हमने 2008 में अभी ये 11 स्टेट में इसका बढ़िया है, उनको हर चीज पता है और हर चीज देखा है। में आगे उनको ये खत्म करेंगे आप लोगों का आपका इधर दो सब चाहिए दो चार ज्वाइन करिए आपको मुबारक है हाथ पारक है वॉलंटियर आज जनाब हमारी जो पार्टी नेशनल यूथ पार्टी का जो हंदवाड़ा तहसील और रफियाबाद तहसील की जो हमारी बॉडी बनी हुई है जैसे ब्लॉक बॉडी वगैरह उनकी आज हमारी वर्करों की मीटिंग थी यहाँ पे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। आप लोगों ने भी देखा है क्योंकि लोगों के दे रहे ना मसले जो हैं मसाइल हैं, खासकर जो यूथ का मसला है पूरे हिंदुस्तान में लेकिन खासकर हंदवाड़ा और रफियाबाद या के कफारा यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। वो मैनिफेस्टो यही है कि जो यूथ है आज देखो यूथ ड्रग के कई तरह के ड्रग के मुसीबतों में फंस चुका है, यूथ बेरोजगारी है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मजदूरी नहीं है, जबकि मरकज गवर्नमेंट ने बोला था कि 370 खत्म करने के बाद हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियों का मुंह जम्मू कश्मीर में मुड़ जाएगा और कश्मीर में इतना रोजगार मिलेगा कि यहाँ पे मतलब कोई बेकार नहीं होगा। लेकिन 2019 से आज तक हम देख रहे हैं कि यूथ जो है वो दिन ब दिन कई तरह की परेशानियों में मुब्तला हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है यूथ के लिए चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए DIC के थ्रू KVIS के थ्रू या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू, तो जमीन लेवल पे उनमें इतनी फॉर्मेलिटी है कि बैंक किसी को लोन भी नहीं देती है कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, उसमें इतनी बड़ी फॉर्मेलिटियां रखी हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे।